और मैं आपको नजदीक से दिखा रही हूँ, आप देख सकते हैं एक एक लच्छा प्रॉपर फ्राई हुआ है, लाल नहीं पड़ा है, मुलायम नहीं है, कुरकुरा है और तेल अब्सॉर्ब नहीं किया है। यही होती है ना परेशानी, अब ये परेशानी कभी नहीं होगी। हाय एवरीवन, मैं हूँ पारुल, कुबित पारुल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज के इस वीडियो में आपकी सारी शिकायत दूर हो जाएंगी, क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बाजार वालों के सारे सीक्रेट टिप्स भी बताऊंगी। कोई स्पेशल मशीन नहीं लानी, कोई स्पेशल आलू नहीं लाना, बस कुछ बातों का ध्यान रखना है और आपकी आलू लच्छा नमकीन बनेगी हर बार एकदम परफेक्ट। और साथ ही आपको बताऊंगी दो जबरदस्त फ्लेवर, चाहे फिर आप व्रत में खाएं या अपनी चाय के साथ एक बढ़िया सा चटपटा फ्लेवर एंजॉय करें। तो चलिए होली की ये स्पेशल रेसिपी शुरू करते हैं। सुपर क्रिस्पी मार्केट स्टाइल आलू लच्छा नमकीन बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिए हैं 1 किलो कच्चे आलू। सिंपल जो आप रोज में कच्चे आलू यूज करते हैं, यहाँ पर मैंने वही कच्चे आलू लिए हैं, लेकिन बस कुछ बात आप ध्यान रखिए, बहुत ज्यादा आलू पुराना ना हो और इस तरह का सॉलिड आलू हो। सॉलिड आलू होता है तो उसमें स्टार्च की मात्रा कम होती है, यानी माड़ कम होता है, जिसकी वजह से जो आलू लच्छा है वो ज्यादा गोल्डन और बढ़िया बनता है, उसमें लालपन नहीं आता, काला नहीं पड़ेगा। तो बाजार में जब आप जाएंगे आलू लेने, तो अभी आपको यही वाला सॉलिड आलू, हल्के छिलके वाला आलू, जैसे देखिए नया आलू जैसे बोलते हैं, ये मिलेगा। इसे हम पहाड़ी आलू या चिप्सोना आलू भी बोलते हैं। तो यहाँ पर आलू को बढ़िया से मैंने धो लिया है और धो करके इसके ऊपर का छिलका उतार लेंगे। ये देखिए, देखने से पता चल रहा है ना, सफेद सफेद आलू है, एकदम स्टार्च कम है। तो बस आपको इसी से बनाना है, परफेक्ट आपके आलू लच्छा नमकीन बनेगी। और जो स्टेप्स मैं अभी आपको आगे बताने वाली हूँ, उसके बाद तो कोई भी आलू हो, आपके आलू लच्छा नमकीन कभी लाल नहीं पड़ेगी। तो इन आलू को हम पानी में डालते जाएंगे, जिससे कि ये काले ना पड़े। लीजिए, आलू सारे छिलकर तैयार है। तो अब आता है नंबर कि आलू को कद्दूकस कैसे करें, क्योंकि बाजार के जो हम खाते हैं उनमें आलू का लच्छा एकदम बराबर होता है, बहुत ज्यादा पतला नहीं होता। चलिए मैं आपको दो तरीके बताती हूँ। सिंपल, यहाँ मैंने लिया है ये आलू चिप्स वाला स्लाइसर, जो हम सभी के घर में ज्यादातर होता ही है। आप एक गीला कपड़ा बिछाइए और इसको इस तरह पकड़िए। अब आप लीजिए आलू और आलू को बिल्कुल चिप्स की तरह से आप इसे स्लाइस करते जाइए। आप सोच रहे होंगे कि पारुल ये तो चिप्स बन गए, इससे तो लच्छा बनेगा नहीं। अरे आप देखिए, इसी से लच्छा बनाएंगे। ये देखिए, इस तरह मैंने गोल गोल कट कर लिए। अब इसको आप चार चार पांच पांच के पीसेस में इस तरह से डिवाइड कर लीजिए, इकट्ठा करके पांच पीस लीजिए, इस तरह इकट्ठा कर लीजिए। अब आलू को आप इस तरह पकड़िए, इस पूरे पांचों पीसेस को, और स्लाइसर पे देखिए इस तरह से आप ग्रेट करते जाइए। बहुत आसान, कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसमें खास बात ये होगी कि जो आपका आलू का लच्छा होगा वो कभी कभी बहुत बारीक बन जाता है, तो खाने में मजा नहीं आता, तेल पी लेता है। ऐसा जो थिकनेस होती है, जैसे बाजार वाले बनाते हैं, उनके पास तो बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, लेकिन हम अपनी इस स्मार्ट टिप से अपना काम बनाएंगे। ये देखिए, और इसका आप ये लच्छा देखिए कितना परफेक्ट, फाइन भी है, बहुत ज्यादा बारीक भी नहीं है, थिकनेस एकदम परफेक्ट है। जिन बातों को मैंने इसमें आपको बताया है, जो स्टेप्स मैंने फॉलो किए हैं, जो टिप्स मैंने आपको बताई है, बिल्कुल वही फॉलो करके बनाइए, 100% आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा और आपकी रेसिपी पहली बार में ही परफेक्ट भी बनेगी। और ये सारे आलू लच्छा आप इस तरह से पानी में डालते जाइए, जिससे कि ये काले ना पड़े और जो भी एक्स्ट्रा स्टार्च होता है ना, वो सारा पानी में निकलता जाएगा। अब मैं आपको दूसरा तरीका बताती हूँ। कद्दूकस वाला तो हम सबको पता है, तो अगर आप कद्दूकस पर ग्रेट करने वाले हैं, तो जो बड़े साइज का इसका होल होता है उससे आपको ग्रेट करना है, तभी जो परफेक्ट लच्छा है वो बन पाता है। अगर ये ना हो तो आप इस तरह के ना, आजकल बाजार में हर जगह मिलते हैं, देखिए इस तरह के स्लाइसर बहुत इजीली आपको मिल जाएगा, तो इससे भी आप ये इस तरह से लंबे लंबे लच्छे काट सकते हैं। तो ये भी बहुत आसान तरीका है। तो मैंने आपको दो नहीं तीन बता दिए तरीके, जैसे चाहें वैसे बनाएं। मुझे ये पहला वाला तरीका बहुत मस्त लगता है, क्योंकि इससे थिकनेस परफेक्ट आती है, क्रिस्पनेस बढ़िया रहती है, तेल भी अब्सॉर्ब नहीं करता लच्छा। तो बस यहाँ पर हम सारे अपने स्लाइस कर लेंगे इस तरह से आलू लच्छा और पानी में डालते जाएंगे। अब ये देखिए, यहाँ पर जब हमने पानी में डाला, आप देख सकते हैं काफी सफेद पानी है, धुंधला धुंधला क्लाउडी पानी आपको दिख रहा होगा। तो लगभग 4 से 5 बार आपको ये धोना होगा, तो इसमें से निकालेंगे, अब साफ पानी में वापस धोएंगे। इस आलू के लच्छे को हमें तब तक धोना है जब तक कि ये पानी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर ट्रांसपेरेंट ना दिखने लगे। अभी भी पानी आप देख सकते हैं धुंधला है, तो एक बार ये और धोएंगे। अभी आप देख सकते हैं पानी हल्का हल्का साफ होता जा रहा है। और ये लीजिए, मैंने 4 बार बिल्कुल बढ़िया से धो लिया और आप देख सकते हैं अभी पानी काफी क्लियर है। अब आता है नंबर उस बाजार वालों के स्पेशल ट्रिक का, कि वो क्या करते हैं कि लच्छा कभी भी काला नहीं होता, लंबे समय तक वो बिल्कुल कुरकुरा बना रहता है। तो उसके लिए क्विक ट्रिक, आप सारा आलू लच्छा एक बोल में निकालिए। इसमें मैं डाल रही हूँ गर्मा गर्म पानी, ये देखिए, और बस गर्म पानी में आपको 2 मिनट, सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट छोड़ना है इसको।
इससे क्या होगा कि आपका जो आलू लच्छा है वो ज्यादा दिनों तक क्रिस्पी भी रहेगा, फ्राई करते वक्त लाल नहीं पड़ेगा, सारे आलू लच्छे का समान रंग आएगा, कुरकुरापन ज्यादा मिलेगा। तो बस 2 मिनट छोड़िएगा हमें, क्योंकि पकाना नहीं है आलू, बस इसको हल्का सा ब्लांच करना है जैसे हम फ्रेंच फ्राइज में करते हैं। तो बस 2 मिनट बाद इस पानी को फेंक देंगे। ये देखिए सारा पानी मैंने स्ट्रेन कर दिया है। अब आप सोच रहे होंगे पारुल डायरेक्ट भी तो कर सकते थे, आलू चिप्स की तरह डायरेक्ट भी बना सकते थे, लेकिन उसके लिए फिर आपको आलू एकदम परफेक्ट चिप्सौना वाला चाहिए, जो चिप्स वाला आलू होता है, तो उससे आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं, वो पर थोड़ा सा कड़क बनता है, ये वाला परफेक्ट खस्ता कुरकुरेपन पर बनेगा। अब आप लीजिए एक टॉवल या कोई कपड़ा सूती और उस पर सारा आलू लच्छा इस तरह से डाल देंगे और ऊपर से इस तरह बिल्कुल बढ़िया से पोंछ देंगे। बहुत जल्दी सूख जाता है, हमें ऐसे कोई धूप नहीं लगानी है, बस हल्का इसका पानी हट जाए, जैसे कि जब हम फ्राई करें तो छींटे ना आए, चाहे तो कुछ देर पंखे में रख दीजिए। ये लीजिए मैंने बिल्कुल बढ़िया सा आलू लच्छा पोंछ दिया है और ये देखिए बिल्कुल सूखा दिख रहा है आलू लच्छा, परफेक्ट। चलिए अब तो कुछ ज्यादा करना ही नहीं है, फटाफट से करते हैं फ्राई। अब जो फ्राई करने के लिए जरूरी स्टेप, यहाँ पर तेल मैंने पहले ही मीडियम फ्लेम पर गर्म होने के लिए रख दिया था। आलू लच्छे को हमें ना तो ठंडे तेल में ना बहुत ज्यादा तेज गर्म में फ्राई करना है, इसे एकदम बढ़िया हॉट ऑयल में हम फ्राई करेंगे। मध्यम आंच पर पहले तेल को आप बढ़िया गर्म कर लीजिए और इस तरह से एक लकड़ी की करछी डालकर देखिए, परफेक्ट बबल्स आने चाहिए। ये देखिए आ रहे हैं ना, यानी जो हमारा तेल है वो परफेक्टली हॉट ऑयल है। अब आप एक आलू लच्छा भी डालकर देखिए, बबल्स आ रहे हैं इसमें और ये तुरंत ऊपर आ रहा है। ऐसा गरम तेल हमें कुरकुरे आलू लच्छा बनाने के लिए चाहिए, जिससे कि जो आलू लच्छा है वो तेल ना पिए, बराबर उसमें कुरकुरापन आए। तो बस इसमें आलू लच्छा देखिए मैंने डाल दिया है गरम तेल में और डालने के बाद फ्लेम को आपको मीडियम हाई रखना है और आप ये देख सकते हैं कि इसमें बहुत बढ़िया सिजलिंग बबल्स आ रहे हैं, लेकिन एक साथ सारा नहीं डालेंगे वरना फिर वो झाग बन बन के तेल बाहर आ जाएगा। सारी बातें मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कई बार मैंने बनाया है और अक्सर ये गलतियां सबसे हो जाती हैं, तो ये ना हो इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ। अभी बिल्कुल टच नहीं करेंगे, हल्का हल्का से ऊपर आने लगेगा, एक लेयर फर्म सी इस पर आ जाएगी, उसके बाद बस हम ऊपर नीचे इसको रोटेट कर देंगे। सेकंड जरूरी पॉइंट, ये यहाँ पर आप कढ़ाई थोड़ी भारी तले की फैली हुई लें, तेल थोड़ा नीचे रखें, ज्यादा ऊपर तक ना भरें तेल, क्योंकि जब आलू लच्छा डालते हैं तो उसमें से एकदम से झाग आते हैं और वो कभी कभी अगर आपने ऊपर तक तेल लिया है या ज्यादा डाल दिया है आलू लच्छा तो वो सारा निकल आता है तेल, तो ऐसी गलती ना करें, सावधानी से काम करें। ये देखिए बहुत ही प्यारा गोल्डन क्रिस्पी कलर आ गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं इस आलू लच्छे में बहुत ज्यादा लाल रंग नहीं आता, इस तरह का गोल्डन कलर आता है और मैं आपको नजदीक से दिखा रही हूँ, आप देख सकते हैं एक एक लच्छा प्रॉपर फ्राई हुआ है, लाल नहीं पड़ा है, मुलायम नहीं है, कुरकुरा है और तेल अब्सॉर्ब नहीं किया है। यही होती है ना परेशानी, अब ये परेशानी कभी नहीं होगी। तो सबको एक प्लेट पर निकाल लेंगे और इसी तरह सेकंड बैच का आलू लच्छा गर्म तेल में फ्राई करेंगे। आलू लच्छा बनाने में कोई भी परेशानी नहीं होती, बस ये जो चीजें मैंने आपको बताई हैं उनका आप ध्यान रखिएगा। तो अभी आने वाले महाशिवरात्रि के व्रत में या आने वाले होली के त्योहार, रमजान, कभी भी आप ये बना सकते हैं और बना करके 1-1.5 महीने के लिए स्टोर भी कर सकते हैं, बिल्कुल खराब नहीं होता। तो सेकंड बैच का भी आलू लच्छा एकदम कुरकुरा करारा मजेदार बनकर तैयार हुआ है और जैसे कि आप देख सकते हैं एकदम इवन कलर और क्रिस्पी कंसिस्टेंसी। सबको निकाल लेंगे, अभी ठंडा होगा तो और कुरकुरा हो जाएगा, अब कभी नहीं होगी आपको कोई परेशानी इस तरह से आलू लच्छा बनाने में। और ये देखिए एकदम कुरकुरा करारा, ये देखिए इसकी आवाज, ठंडा हो जाने के बाद तो ये और भी ज्यादा कुरकुरा हो जाएगा और आपने देखा कोई ना लाल पड़ा, ना तेल अब्सॉर्ब किया और ना मुलायम है। टेक्सचर, टेस्ट, लुकिंग सब एकदम बाजार से कहीं ज्यादा बढ़िया, शुद्ध तेल में बना हुआ आपके अपने हाथों का आलू लच्छा नमकीन। अब इसी गरम तेल में मैं कुछ चीजें और फ्राई कर रही हूँ जिससे कि हम बिल्कुल बाजार जैसा आलू लच्छा चिबड़ा बना पाए, तो उसके लिए मैंने लिया है थोड़ी सी मूंगफली, कच्ची वाली मूंगफली ली है लगभग 1/4 कप के करीब, बस इस तरह छल्ली पर डालकर फ्राई कर लेंगे। बहुत बढ़िया लगती है ये आलू लच्छा में, मैं अभी आपको 2 फ्लेवर बताऊंगी और इतने मस्त बनेंगे कि मजा आ जाएगा, जो आप व्रत में भी खा पाए और बच्चे और परिवार वालों को चटपटा मजेदार वाला मैजिक ट्विस्ट के साथ एक और फ्लेवर हम तैयार करेंगे। और मूंगफली को निकालकर मैं यहाँ पे फ्राई कर रही हूँ थोड़े से काजू, आप अपने मन के और भी ड्राई फ्रूट जैसे मखाना, किशमिश वगैरह भी फ्राई कर सकते हैं, मेरे यहाँ इस तरह बहुत पसंद की जाती है तो मैं ये ले रही हूँ। बहुत ही फटाफट हो जाता है वाला काम और आलू लच्छा नमकीन बनाने में आपने देखा ज्यादा टाइम नहीं लगता है। और थोड़ा सा करी पत्ता, तो ये हो गया हमारा तैयार। तो चलिए फटाफट से बनाते हैं 2 जबरदस्त फ्लेवर। तो पहला फ्लेवर बना रही हूँ बिल्कुल मार्केट स्टाइल आलू लच्छा चिबड़ा नमकीन, जिसे आप व्रत में भी खा पाए। तो एक बोल में यहाँ मैं ले रही हूँ 2 छोटे चम्मच सेंधा नमक, जो व्रत में खाते हैं, अगर आपको व्रत की नहीं बनानी तो नॉर्मल नमक ले लीजिए। साथ में डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच काली मिर्ची पाउडर, 1/2 छोटे चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर और ये मैं डाल रही हूँ 2 छोटे चम्मच पिसी हुई
चीनी, बहुत ही बढ़िया खट्टा मीठा सा फ्लेवर आता है, जैसे बाजार के पैकेट में निकलता है ना आलू लच्छा चिबड़ा, बिल्कुल वैसे ही बन जाएगा। सब चीजों को मिक्स कर लेंगे। स्पेशल आलू लच्छा चिबड़ा का मसाला है तैयार, और इसमें से आधा पोर्शन हम खट्टा मीठा वाला चिबड़ा बना लेंगे, और इसी के ऊपर डाल देंगे थोड़ा सा करी पत्ता, थोड़ी सी मूंगफली, थोड़ा सा फ्राई वाला काजू। सिर्फ मूंगफली भी डालेंगे तो भी बढ़िया लगेगा, और प्लेन रखेंगे तो प्लेन भी खा सकते हैं। हल्के हाथ से मिक्स करेंगे, इस तरह टॉस कर लेंगे। ये देखिए बन गया ना एकदम जबरदस्त, बाजार से कहीं ज्यादा बढ़िया, 100% नो फेल वाली रेसिपी है, पूरे विश्वास के साथ बनाइए, बहुत ही बढ़िया आलू लच्छा नमकीन तैयार होगा। चलिए अब बनाते हैं मैजिक मसाला ट्विस्ट, मजा आ जाए। एक बोल में मैं यहाँ ले रही हूँ 2 छोटे चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर, 1 छोटे चम्मच नमक, 1/2 छोटे चम्मच जीरा पाउडर, 1 छोटे चम्मच चाट मसाला, 1/2 छोटे चम्मच काला नमक। अच्छे से कर लेंगे मिक्स, मतलब ये जो बनेगा ना बच्चे चिप्स भूल जाएंगे, इतना जबरदस्त वाला ये आलू लच्छा नमकीन तैयार होगा। इसमें डालेंगे अपना क्रिस्पी क्रंची आलू लच्छा, और साथ ही यहाँ पर डाल देते हैं थोड़ी सी मूंगफली। अगर आप इसमें और भी ड्राई फ्रूट डालना चाहते हैं तो वो भी ऐड कर सकते हैं। हल्के हाथ से टॉस कर लेंगे जिससे कि पूरा मसाला आलू के लच्छों पर लग जाए। ये देखिए जबरदस्त टेस्टी क्रिस्पी क्रंची, बाजार से कहीं ज्यादा बढ़िया हमारा मैजिक मसाला वाला आलू लच्छा नमकीन है बिल्कुल तैयार। और बस इस तरह बना करके आप एयरटाइट बॉक्स में भर करके रख लीजिए, फिर जब मन चाहे निकालिए, अपनी चाय का आनंद लीजिए, टिफिन में रख कर ले जाइए, कभी भी भूख में आप अपना स्नैक्स एंजॉय कर सकते हैं, वो भी आपके अपने हाथों का बना हुआ। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ना तो लाल पड़े हैं, ना तेल सोखा है और ना मुलायम है। और इसी तरह से आप घर में इंस्टेंट वाले, जैसे बैंगलोर में मिलते हैं, साउथ मिलते हैं, हॉट चिप्स, कुरकुरे, करारे पैकेट जैसे, कैसे बनाए तो ये वीडियो जरूर देखें। तो जरूर से बनाइए, और मुझे अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स में जरूर बताइए कि आपको इनमें से कौन सा फ्लेवर बढ़िया लगा और आप ये कब बना रहे हैं। अगर आपको मेरी मेहनत, मेरी रेसिपी पसंद आई हो फ्रेंड्स, तो प्लीज 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 वीडियो को लाइक शेयर, और आपके अपने चैनल कुक विद पारुल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग कुक विद पारुल। जय हिंद, जय भारत।